प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। अपना चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, यानी कि वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के आधार पर कुछ स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन। उस कैटेगरी में अपन पे चार स्ट्रक्चर थे। पहला था COCl3.6NH3, ये मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। सेकंड है COCl3.5NH3। थर्ड है COCl3.4NH3 और फोर्थ और लास्ट है COCl3.3NH3। अब हमें एक एक करके इन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। इसमें से ये वाला पिछले वीडियो में हो चुका है, प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। अब ये तीनों इस वीडियो में इन स्ट्रक्चर को देखेंगे वन बाय वन। स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला लीजिए जो आज का टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ COCl3.5NH3। इसमें इन्होंने बताया वार्नर ने कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी तीन है। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? तीन, थ्री है। जिनका काम जो है, प्राइमरी वैलेंसी तीन है, इनका काम यहां पर कर रहा है सीएल नेगेटिव आयन। सेकेंडरी वैलेंसी छह है, जिसमें से पांच अमोनिया द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है और एक सीएल नेगेटिव जो आयन है वो प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है और सेकेंडरी का भी। यानी कि मैं दोबारा कहना चाह रहा हूं, देखो प्राइमरी वैलेंसी तीन है, सेकेंडरी वैलेंसी छह है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि पांचों अमोनिया तो सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं, तीन में से दो सीएल प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं और एक सीएल माइनस ऐसा है जो प्राइमरी का भी काम कर रहा है, सेकेंडरी का भी। इसका मतलब सीएल नेगेटिव एक है लेकिन वो काम डबल कर रहा है, प्राइमरी का भी सेकेंडरी का भी। रिपीट समझाऊं? देखो दोबारा समझो, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? छह, पांच अमोनिया से हो गई है ना, और एक सीएल नेगेटिव से। और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? तीन, वो तीनों सीएल नेगेटिव से हो रही हैं। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक सीएल नेगेटिव ऐसा हो जो प्राइमरी वैलेंसी का भी काम करे और सेकेंडरी का भी। यानी कि एक सीएल नेगेटिव डबल काम कर रहा है, दो सीएल नेगेटिव खाली वर्क कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी का और पांचों अमोनिया वर्क कर रहे हैं खाली सेकेंडरी वैलेंसी का। अब इस आधार पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया जा सकता है। फॉर्मूला बनेगा CO NH3 5 CL। ये जो सीएल अंदर लिखा है मैंने, ये दोनों का काम कर रहा है, प्राइमरी का भी सेकेंडरी का भी। ये अमोनिया जो है ये केवल सेकेंडरी का काम कर रहे हैं, ये सीएल नेगेटिव प्राइमरी का भी वर्क कर रहा है सेकेंडरी का भी, और जो बाहर दो सीएल हैं ये दोनों प्राइमरी का वर्क कर रहे हैं। तो ये सीएल क्योंकि डबल काम कर रहा है इसलिए टोटल चीजें तीन सीएल और पांच अमोनिया मिलाकर आठ, लेकिन काम कितने हो रहे हैं? नौ। नौ कैसे? छह सेकेंडरी वैलेंसी और तीन प्राइमरी वैलेंसी। अब इसको अगर हम वो कर दें, ब्रेक करें आयनों में, तो ये टूट के कंपाउंड बनाएगा, आयन बनाएगा CONH3 5 Cl+2 + 2 Cl-1। अगर आप इसमें AgNO3 के दो मोल डालें तो दो मोल AgCl बन जाएगा और YPPT आएगा दो मोल का, वो भी AgCl का, है ना। तो पूरी बात समझो बेटा, इसमें ऐसा हो रहा है एक सीएल नेगेटिव प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों का काम कर रहा है, दो सीएल नेगेटिव केवल वर्क कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी का और पांच अमोनिया वर्क कर रहे हैं केवल सेकेंडरी वैलेंसी का, ठीक है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो वो क्या बनेगा? अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ध्यान से देखना, सीओ ऑक्टाइड्रल शेप में इन्वायरमेंट क्रिएट करना है
सीओ ए रहा, पांच अमोनिया हो गए, एक दो तीन चार और पांच, पांच अमोनिया हो गए, एक सीएल नेगेटिव यह ऊपर आ गया ये वाला। ये सीएल दोनों का वर्क कर रहा है, इसलिए लाइन देखो डार्क लाइन का मतलब होता है सेकेंडरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी है सारी, और ये सीएल डबल काम कर रहा है इसलिए डॉटेड लाइन खींची, डॉटेड लाइन का मतलब प्राइमरी वैलेंसी। तो आप देख रहे हैं इस सीएल पर दो लाइन है, एक डार्क एक डॉटेड। डार्क लाइन का मतलब है आपका कौन सी, डार्क लाइन का मतलब कौन सी वैलेंसी है, सेकेंडरी, और डॉटेड लाइन का मतलब प्राइमरी। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड क्यों बनाते हैं, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, ब्रेकेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी को डार्क लाइन से क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। तो ये सीएल डबल काम कर रहा है, ये अमोनिया केवल सिंगल वर्क कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी का। अब बचे दो सीएल और जो प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं, उन्हें ये बना दिया, देखो ये पहला सीएल एक और ये। तो आप देख रहे हैं सीएल कितने हो गए, एक दो तीन, अमोनिया कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच, पांच अमोनिया केवल वर्क कर रहे हैं किसका, सेकेंडरी वैलेंसी का। दो सीएल वर्क कर रहे हैं केवल प्राइमरी वैलेंसी का, वो ये दोनों हैं, और ये वाला सीएल डबल वर्क कर रहा है, टोटल एनवायरमेंट ऑक्टाहेड्रल है, और तीनों सीएल को मिलाओ तो ट्राइंगल बनना है देखो, और टोटल ऑक्टाहेड्रल है, छोड़ दो तो है ना, और इन तीनों सीएल को मिलाओ तो कैसा बनना है, ट्राइंगल की शेप में। ये स्ट्रक्चर हो गया सीओ सीएल थ्री डॉट फाइव एन एस थ्री का। अब इसके बाद चले हम अगला, तो अगला हमारा टॉपिक है सीओ सीएल थ्री डॉट फोर एन एस थ्री, सीओ सीएल थ्री डॉट फोर एन एस थ्री। खास बात यह है कि इसमें आप पर सीओ को छोड़कर टोटल सात चीजें हैं, चार अमोनिया तीन सीएल है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें तीन सीएल में से एक सीएल नेगेटिव वर्क करेगा आपका खाली, किसका, एक सीएल नेगेटिव आपका वर्क कर रहा है खाली, आपका तीन सीएल है ना, एक सीएल नेगेटिव वर्क कर रहा है खाली प्राइमरी वैलेंसी का, दो सीएल नेगेटिव वर्क कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी का प्लस सेकेंडरी वैलेंसी का, और चार अमोनिया वर्क कर रहे हैं केवल सेकेंडरी वैलेंसी का, यानी कि दो सीएल डबल लोड ले रहे हैं, दो सीएल नेगेटिव डबल लोड ले रहे हैं। डबल लोड का मतलब समझ रहे हो, दो सीएल नेगेटिव ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का काम कर रहे हैं, एक सीएल नेगेटिव खाली प्राइमरी का काम कर रहा है, और चार अमोनिया केवल सेकेंडरी का काम कर रहे हैं। अगर इससे आप रिजल्ट निकालें तो देखो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, दो सीएल ये और चार ये, तो आपकी प्राइमरी दो और चार छह, तो टोटल छह सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी छह नजर आ रही है, देखो चार अमोनिया की और दो ये वाली, और प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, दो और एक तीन, तो तीन प्राइमरी वैलेंसी है और छह सेकेंडरी वैलेंसी है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दो सीएल डबल काम कर रहे हैं, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी। तो टोटल सीएल नेगेटिव कितने थे, तीन, एक काम कर रहा है केवल प्राइमरी का, दो कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का, और चारों अमोनिया वर्क कर रहे हैं केवल सेकेंडरी वैलेंसी का। इस तरीके से वैलेंसी तो छह और तीन नौ है, नाइन है, लेकिन चीजें हम पर तीन और चार सात है, सात चीजों से नौ वैलेंसी पूरी हो रही है, सात चीजों से नौ वैलेंसी पूरी हो रही है। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगा, देखो डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए भाई, ऑक्टाहेड्रल शेप में लाना है, ये सीओ चार अमोनिया, एक दो तीन चार अमोनिया। अब आपके क्या बचे, दो सीएल जो डबल काम कर रहे हैं, ये वाला सीएल देखो डबल काम कर रहा है प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी,
और ये वाला सीएल भी डबल काम कर रहा है, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी। ये सीएल डबल वर्क कर रहे हैं, ये अमोनिया केवल सेकेंडरी का वर्क कर रहे हैं, और एक सीएल और बचा है जो केवल प्राइमरी का वर्क कर रहा है। अगर आप तीनों सीएल को मिलाएंगे देखो ट्राइंगल बन जाएगा, और अगर इस सीएल को छोड़ दें तो देखो बाकी सेकेंडरी वैलेंसी से ऑक्टाहेड्रल एनवायरमेंट आ रहा है। तीनों सीएल से मिला के ट्राइंगल बनना है, इसको हटाने पर ऑक्टाहेड्रल एनवायरमेंट नजर आ रहा है। प्राइमरी वैलेंसी को हटाओगे तो ऑक्टाहेड्रल नजर आना चाहिए, तो प्राइमरी वैलेंसी को इसको ढक लिया। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब जो प्योर प्राइमरी वैलेंसी है, प्योर प्राइमरी समझ रहे हो, जिसमें कोई भी सेकेंडरी करेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब इसको हटा देंगे तो देखो ऑक्टाहेड्रल एनवायरमेंट साफ नजर आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है COCl3.3NH3 का। किसका आता है? COCl3.3NH3 का। तो यहां पर 4 को हटाकर 3 कर लीजिए। ठीक, अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से तो इसमें भी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 ही है, 6 सेकेंडरी वैलेंसी है और 3 प्राइमरी वैलेंसी है। अब जरा सोचो वैलेंसी कितनी हो गई, 6 और 3 9, लेकिन चीजें कितनी है, 3 और 3 6, 6 चीजें 9 वैलेंसी पूरी करनी है। ये तभी पॉसिबल है जब 3 सीएल नेगेटिव आयन डबल काम करें, यानी 3 सीएल नेगेटिव आयन प्राइमरी वैलेंसी का भी वर्क कर रहे हैं और सेकेंडरी का भी, और 3 अमोनिया केवल सेकेंडरी का वर्क कर रहे हैं। तो 3 अमोनिया सेकेंडरी का वर्क करेंगे और 3 सीएल नेगेटिव आयन प्राइमरी और सेकेंडरी डबल वर्क करेंगे। तो अगर हम इस बात को समझें तो हम क्या कह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं 3 सीएल नेगेटिव आयन दोनों का वर्क करेंगे प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का, और 3 अमोनिया खाली वर्क करेंगे सेकेंडरी का। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आप कहोगे सर इस बेसिस पर इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस बेसिस पर इसका स्ट्रक्चर बनेगा CO NH3 होल थ्राइस और Cl3, ये बनेगा। अगर आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि कोई भी चीज ब्रैकेट के बाहर नहीं है, तो डज नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज नहीं होगा तो अगर आप इसमें AgNO3 डालोगे तो इसमें AgCl बनेगा ही नहीं, तो इसमें AgCl का कोई PPT नहीं आएगा। जो इससे पिछला वाला एग्जाम्पल था मैं उसमें आयोनाइज करना बताना भूल गया हूं, पिछला वाला था COCl3.4NH3, जो पिछला वाला था उसका स्ट्रक्चर बना था CO NH3 4 Cl2 Cl, वो आयोनाइज होके बना रहा था CO NH3 4 Cl2 plus Cl minus, उसमें अगर आप डालते AgNO3 तो उसमें आपको AgCl का वाइट PPT मिल जाता, एक मोल का, कितने का, एक मोल का, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिला। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पिछले वाले में ऐसे में लिखना भूल गया था तो यहां पे लिख दिया है, इसमें हमें AgCl का वाइट PPT नहीं मिलेगा। AgCl का वाइट PPT क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भी Cl नेगेटिव आयन ब्रैकेट के बाहर नहीं है जिसे हम हटा सके, यहां पे एक था तो मिल गया, इसमें कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मन में क्वेश्चन आता है सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर समझा दीजिए। तो देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा, देखो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल फीड ले लो पहले CO, ये ले लिया। अब 3 Cl है, कितने Cl है, 3, 1 2 3, ये तीनों डबल वर्क कर रहे हैं तो डबल लाइन लाओ, डबल लाइन का मतलब डबल वर्क है इसका, और ये तीनों अमोनिया सिंगल वर्क कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी का, साफ नजर आ रहा है ये तीनों अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं, और ये 3 Cl जो हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का काम कर रहे हैं। प्राइमरी को डार्क लाइन से दिखाया है या डॉटेड से, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डॉटेड से दिखाई है, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी डार्क से है, डार्क सेकेंडरी, डॉटेड प्राइमरी, डॉटेड का मतलब आयोनाइजेबल,
और डार्क का मतलब नॉन आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मतलब आपका साथ छोड़ेगी और नॉन आयोनाइजेबल का मतलब आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप ध्यान से देखें पूरा मिलाकर ऑक्टाहेड्रल आ रहा है और तीनों सीएल को मिला के देखो तो ट्राइंगल बन रहा है। तीनों सीएल से ट्राइंगल बनता नजर आ रहा है और वैसे ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। इसके साथ ही आपके ये सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के आधार पर मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर समझा दिए। पहला समझाया था COCl3.6NH3, ये पिछले वीडियो में बताया था। आज वाले वीडियो में बताया COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.3NH3, ये आज वाले वीडियो में बताए हैं स्ट्रक्चर। ये पिछले में था, ये जिन पर डबल है ये आज वाले में एक्सप्लेन किए हैं मैंने आपको। उम्मीद है सारे समझ में आ गए होंगे, इनमें से किसी में भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। सब में कॉमन फीचर क्या है? सभी में सेकेंडरी वैलेंसी, इन चारों में सब में सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है। इन सब में एक कॉमन बात क्या है? सभी में सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। और सभी में प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। ये इसमें सब में कॉमन बात है। बात समझ में आ रही है? नहीं, ओके है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको इन चारों कंपाउंड के स्ट्रक्चर की जानकारी हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये वीडियो कैसा लगा आपको? उम्मीद है पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।